फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम बात करने वाले हैं मिल्टन केन थर्मोस्टील फ्लास्क या थर्मोस्टील बॉटल्स के बारे में। यहाँ पर अलग अलग वॉल्यूम, अलग अलग कैपेसिटी के अंदर मेरे पास ये वाटर बॉटल्स या थर्मोस्टील फ्लास्क हैं। और सबसे पहले हम सबसे बड़ी बॉटल जो कि ये 1 लीटर का कैपेसिटी का है, इसको ओपन कर लेते हैं। 1200 रूपए की लगभग इसका MRP था और ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में 900 रूपए के लगभग मिली। और ये बॉटल इस तरीके से, इसका जो कप है, ऊपर का जो लिड है वो इस तरीके से कप शेप का है, इस तरीके से ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये स्लिप ऑन, यहाँ पर एक फ्लैप है, इसको ओपन करने पर यहाँ से जो भी गर्म या ठंडा इस लिक्विड इसके अंदर है वो आप इसे पोर कर सकते हैं इस तरीके से और आराम से पी सकते हैं। यहाँ पर इसको अंदर की तरफ अगर हम देखते हैं तो अंदर की तरफ भी ये पूरा का पूरा स्टील का बना हुआ है। और इस अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो स्टील इसमें यूज किया गया है वो 18x8 स्टेनलेस स्टील इसके अंदर यूज किया गया है। और यहाँ पर डबल लेयर इंसुलेशन इसके अंदर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप इसमें ठंडा डालते हैं तो वो 24 घंटे तक उसी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर आप गर्म डालते हैं तो वो भी 24 आवर्स के लिए अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है। मिल्टन की तरफ से ही एक और रेंज इन्होंने निकाली है जो कि है एल्फिन। और इस एल्फिन रेंज के अंदर आपको काफी सारे कलरफुल फ्लास्क मिल जाते हैं, जिसमें आपको पीच, पिंक, इस तरीके का स्टील, ग्रे कलर, ऐसे काफी सारे कलर, 4-5 कलर उसमें अवेलेबल थे। तो उसमें से ये पीच कलर मुझे काफी अच्छा लगा, तो यहाँ पर पीच कलर मेरे पास है। और इस तरीके की छोटी छोटी बॉटल्स को घर में पानी पीने के लिए यूज किया जा सकता है आराम से। आप इसको कोई भी अगर गर्म चाय, दूध वगैरह इसके अंदर डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि एक बार अगर आप इसमें चाय या दूध या कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा अरोमा हो या मिल्की हो, छाछ हो गई, दूध हो गई, लस्सी हो गई, चाय हो गई, तो ये सारी चीजें अगर आप एक किसी बॉटल में डाल देते हैं तो उसके बाद में उसकी स्मेल जो है वो 24 आवर्स के अंदर उसके अंदर समा जाती है। और वो स्मेल को वापस से उसमें से हटाना, और अगर आप चाहें कि उसमें नॉर्मल पानी भर के मैं दोबारा से इसको यूज करूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसा मेरे साथ हुआ इस छोटी वाली मिल्टन की थर्मोस्टील फ्लास्क के अंदर। यहाँ पर मैंने इसमें चाय डाल दी थी पैक करके ले जाने के लिए, और उसको यूज करने के बाद में जब मैंने इसको गर्म पानी से वॉश करके अच्छे से इसको ड्राई किया, ओपन रखा, हवा में सुखाया, उसके बाद में भी जब मैं इसको स्मेल करती हूँ तो आज भी इसमें वो स्मेल बनी हुई है, वो जाती नहीं है। तो इसको और किसी यूज में नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर सबसे पहले इन दो बॉटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये बॉटल्स 300 ml की कैपेसिटी की है और बिल्कुल सुटेबल है, घर में आप इधर उधर कहीं भी इसको भर करके रख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। ये बॉटल्स मेनली आप आउटडोर्स के लिए यूज कर सकते हैं, पिकनिक जा रहे हैं, कार में कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, तो इस तरीके से 1 लीटर का जो बड़ा वाला बॉटल है वो ले जा सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी हैंडी हैंडी बॉटल्स हैं तो ये भी आप कैरी कर सकते हैं, और दिखने में बहुत अच्छे, इनके लुक्स जो है बहुत शानदार है, कलर, शाइन, पैटर्न, इनको बनाने का तरीका। तो यहाँ पर जो 300 ml की बॉटल है इसको अगर हम देखें तो इसमें इस तरीके से स्टील का ये लिड है और इसके अंदर यहाँ पर वाटर फिल किया जा सकता है। इसमें कोई भी तरीके का फ्लिप ऑन नहीं है। मिल्टन की थर्मोस्टील फ्लास्क पहले इसी तरीके की स्टेनलेस स्टील डिजाइन और स्टेनलेस स्टील कलर हम कह लें उसके अंदर आया करते थे, लेकिन अभी मिल्टन ने अपने कलरफुल रेंज भी मार्केट में लॉन्च किया। उसके बाद में मिल्टन के ही बहुत सारे कलरफुल थर्मोस्टील फ्लास्क मार्केट में आए और बहुत ही क्यूट लगते हैं, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मिल्टन के ये 300 ml के थर्मोस्टील फ्लास्क जो है इनका MRP 660 रूपए के आसपास था और ये बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में 500 रूपए के आसपास मिल जाते हैं ऑनलाइन। और अब हम नेक्स्ट जो सबसे छोटा वाला बॉटल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैपेसिटी है 160 ml, इसके अंदर एक कप या उससे थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। ये चाय, दूध या किसी भी बेवरेज के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है इस तरीके का जो छोटा बॉटल है। ये भी एक इस तरीके का लिड है, आपको इसको घुमा करके खोलना है और यहाँ पर इसमें स्टील की दो लेयर है। 160 ml की इस बॉटल का प्राइस मुझे 435 रूपए के लगभग पड़ा। मिल्टन की ये जो थर्मोस्टील फ्लास्क है क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है क्योंकि काफी लंबे समय तक ड्यूरेबल रहते हैं, इनको कभी कोई भी दिक्कत नहीं आती, कई बार गिर भी जाते हैं तो भी इसमें कहीं पर भी कोई भी
प्रॉब्लम नहीं आती है और जो उनका काम है अगर उसको देखा जाए तो वो काम तो ये हरदम करते रहते हैं, लीक प्रूफ है, कभी भी कुछ भी लीक नहीं होता है। जैसे इसमें पानी भरा हुआ है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी बाहर नहीं आ रहा है। क्लीन करना इनको काफी आसान है, कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट को इसको अंदर बाहर से चारों तरफ से आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं और इसको खुला करके इस तरीके से ओपन करके और इसको एयर ड्राई होने के लिए रख सकते हैं, उससे इसका जो भी मॉइस्चर है अंदर से भी वो ड्राई हो जाता है। उसके बाद में आप इसको फिर से फिल करके यूज कर सकते हैं। ये चीजों का ध्यान रखेंगे, जब बॉटल काम नहीं आ रही है तो इसका लिड जो है हमेशा खुला रखें, जिससे कि इसकी जो ऑडर है, इसका जो बैड स्मेल है, अगर कोई भी तरीके का आप इसमें ड्रिंक डाल रहे हैं तो उसका जो स्मेल है पर्टिकुलर वो इसके अंदर रहता नहीं है, वो चला जाता है। और कोई भी स्ट्रांग डिटर्जेंट हो गया, ब्लीच हो गया या क्लीनर्स हो गए जो कि क्लोराइड के साथ आते हैं, उनसे इनको कभी भी क्लीन नहीं करना है। इसमें कभी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को ना डालें, उनका अपना खुद का एक प्रेशर होता है, उसकी वजह से अंदर ही अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और ये ओपन होने में बहुत दिक्कत आती है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि ये बॉटल्स काफी अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, तो इससे पानी पीने में या कोई भी और बेवरेज अगर आप इससे ले रहे हैं तो वो लेने में कोई नुकसान नहीं होता है। अदरवाइज हम गर्मियों में जो प्लास्टिक के बॉटल्स घर में यूज करते हैं वो, और जो भी मतलब हम नॉर्मली एक सस्ता वाला जो ऑप्शन ढूंढते हैं और उसको हम यूज करते रहते हैं साल भर तक, तो वो चीजें जो है वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और ये बिल्कुल प्लास्टिक फ्री है, बीपीए फ्री तो मैं क्या बोलूं, प्लास्टिक ही नहीं है तो काफी अच्छा है। और डबल वॉल इंसुलेशन यहाँ पर हमें मिल जाता है, बीच के अंदर इसमें एक कॉपर का कोटिंग दिया हुआ है जो कि 24 आवर्स तक इंसुलेशन करने में हेल्प करता है। साथ में इसका जो स्टेनलेस स्टील है वो एकदम रस्ट फ्री है, कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, एक साल की वारंटी तक ये प्रोडक्ट लेता है। और वारंटी इस बेसिस पर है कि इसको किसी भी तरीके का एक्सीडेंटली अगर ये डैमेज होता है तो उसको वारंटी नहीं मिलती है, लेकिन अगर इसकी बनावट में कोई डिफेक्ट है या कोई भी ऐसी परेशानी जो नेचुरली अकर हुई है विद द प्रोडक्ट तो उस पर वारंटी मिलती है एक साल की। डेली यूसेज के दौरान इसकी एक छोटी सी कमी भी देखने को मिली कि इसके अंदर जो भी चीज भर करके रखी जाती है वो वही टेम्परेचर मेंटेन करती है जो भरते वक्त उस लिक्विड का या उस बेवरेज का था। अदरवाइज अगर आपको समर के मौसम में फ्रिज में रखने के लिए कोई बॉटल चाहिए हो तो ये उसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स हैं, इंसुलेटेड थर्मोस्टील फ्लास्क है, तो ये वो पानी जो अंदर इसके अंदर फेल है उसको ठंडा नहीं करेगा। और आपको इसमें ठंडा पानी पीना है तो ठंडा पानी इसके अंदर डालना होगा, और इसकी कैपेसिटी है कि उसको ठंडा बनाए रखता है 24 आवर्स के लिए, तो ये एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन है लॉन्ग टाइम के लिए, एक बार का इन्वेस्टमेंट है। हाँ थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लगता है शुरुआत में, लेकिन एक बार ही खरीदने के बाद में आपको बार बार ही इनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं बात करूँ इस 1 लीटर के थर्मोस्टील फ्लास्क की, तो इसको लिए हुए मुझे 7 साल हो चुके हैं और बहुत ही एक अनोखा याद है, अनोखी मेमोरी इससे जुड़ी हुई है कि मुझे जब मेरा बेटा हुआ था, मैं मम्मी बनी थी, तभी मैंने ये थर्मोस्टील फ्लास्क उस टाइम यूज किया था। तो ये जो थर्मोस्टील फ्लास्क है काफी पुराने हैं और यहाँ पर ये वाला जो है सबसे न्यू एडिशन है थर्मोस्टील फ्लास्क के अंदर। और ये दोनों ही फ्लास्क जो है हमारे डेली पानी के कंज्यूम करने में यूज आता है, और इसी तरीके से लाइफ में अच्छी अच्छी चीजों को इंट्रोड्यूस करने से ही लाइफ बेहतर बन पाती है। तो मुझे तो ये थर्मोस्टील फ्लास्क मिल्टन की तरफ से काफी पसंद है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और फिर मिलूंगी और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।